स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारा एग्जाम पास आता जा रहा है, 3 सितंबर को हमारा एग्जाम है, इसलिए जितना भी करंट अफेयर्स और जीके जीएस आपको पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, सबका एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए इंक्वायरी करने के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं सिविल डिफेंस एकेडमी के आलमबाग और इंदिरानगर दोनों ब्रांचेस में। तो चलिए, जैसा कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो हम लोग का जो ये टोटल जो प्लान करंट अफेयर्स का था वो 16 अप्रैल से लेके आपके 15 अगस्त तक के बीच का जो भी करंट सिनेरियो रहा है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। तो एक बार हम फिर फ्लैशबैक में जाके सारे के सारे एक मैराथन क्लास लगा के आपके सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल आज के क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे कौन से वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्पोर्ट्स से, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते भी हैं और उनके नंबर्स भी ज़्यादा रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। लिखा मेडल्स इन 50 मीटर्स फ्री पिस्टल इवेंट इन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इन चिंगाओ कोरिया। तो किसने किसको पदक मिला है इसमें, तो कमलजीत को इसमें पदक मिला हुआ है, तो कमलजीत इसके राइट आंसर है। इनको ये देखिए फोटो भी लगी हुई है, तो कोरिया में जो ओपन हुआ है पिस्टल का 50 मीटर्स का, उसमें इनको मेडल कमलजीत जी को मिला हुआ है। तो नाम याद रखिएगा क्वेश्चन को समझते हुए, और ये आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इन जुलाई 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन रिसीव द यूनेस्को अवार्ड फॉर द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन। तो किसको पुरस्कार मिला है जीर्णोद्धार के लिए रिस्टोरेशन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाइकुला रेलवे स्टेशन। तो बाइकुला रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई में आपके महाराष्ट्र में है, तो बाइकुला रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर, जिसको यूनेस्को ने अवार्ड दिया है रिस्टोरेशन के लिए। वहाँ का मतलब क्लीनिंग की हो, फैसिलिटीज़ की हो, इंस्टेंट फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, तो हर चीज़ वहाँ बहुत प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके उसको ये पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका गुजरात फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023 जुलाई। तो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। तो ये बेटा कहाँ किया था, ये ग्रीन फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका राजकोट में है, तो राजकोट गुजरात। और ये एक व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एक मल्टी मतलब एक बहुत बड़ा कि एक साथ कई फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकती हैं, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा व्यू है। और ये राजकोट शहर की ये पिक यहाँ पे लगाई गई है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री के और गांधीयन ईरा से है, जिसने किसने कहा था कि जब पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड स्लीप है तो भारत तो है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल वेक अप फॉर हर लाइफ एंड फ्रीडम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये स्पीच दिया था भारत के पहले अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसके जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने कहा था कि मध्यरात्रि ठीक है तो संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो इंडिया विल बी फ्री ऑन 15 अगस्त मिडनाइट। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू, और इनकी एक बुक का नाम मैं बता देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आराम हराम है, ये सारी चीज़ें इनसे ही रिलेटेड हैं। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंशिएंट का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, किस काल की लिपि चित्राकार लिपि, चित्राकार मतलब किसी भी सिंबल से ठीक है तो उससे हम डिनोट करते थे। तो यहाँ पे आपको बात समझनी है कि कई सारे ऐसे फॉन्ट है स्क्रिप्ट जिसको हम लोगों ने स्टडी नहीं किया हुआ है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे रिलेटेड है, जहाँ आप क्या करते थे चित्राकार लिपि से रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी फोटो लगी हुई है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जीके जीएस के हों या करंट अफेयर्स के हों। तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए सिविल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।